श्री रामनवमी पर्व पर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, निकाला फ्लैग मार्च। इसी के तहत शाम करीब 5 बजे नागेश्वर मंदिर परिसर से शहर के मुख्य मार्गों पर श्री राम भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सुरक्षा को लेकर बड़वाहा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके अंतर्गत दोपहर करीब 12:30 बजे स्थानीय थाने परिसर से शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें SDM BS कलेश, SDOP विनोद दीक्षित, तहसीलदार रंजना पाटीदार, जगदीश गोयल एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बाहरी क्षेत्रों से आए पुलिस जवान मौजूद रहे। फ्लैग मार्च में पहले प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस जवान स्थानीय थाने से अपने वाहनों में सवार होकर नागेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां से सभी ने कदम ताल मिलाकर शहर के कालंका माता रोड, झंडा चौक, MG रोड से मुख्य चौराहे पहुंचे, जहां से जय स्तंभ चौराहे होकर पुनः थाने परिसर पहुंचे, जहां फ्लैग मार्च का समापन हुआ। इस दौरान SDOP विनोद दीक्षित ने बताया कि शहर में होने वाले रामनवमी पर्व के लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। हमारे द्वारा रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर पूर्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमने समिति सदस्यों एवं दोनों समुदाय के लोगों को जुलूस निकालने के दौरान लागू नियमों की जानकारी दी थी, जिसमें हमने उन्हें बताया था कि जुलूस के दौरान किसी भी धार्मिक स्थानों पर ज्यादा देर जुलूस न रोका जाए, धार्मिक गीतों के अलावा अन्य कोई फिल्मी गीतों का उपयोग नहीं किया जाए, वहीं किसी भी धार्मिक स्थानों के सामने किसी प्रकार के गलत नारेबाजी ना की जाए। उल्लेखनीय है कि श्री रामनवमी और रमजान माह एक साथ होने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बड़वा शहर के लिए अलग अलग स्थानों से पुलिस बल भेजा है, ताकि शहर में होने वाले आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। आज चूँकि रमजान का जो माह चल रहा है और शाम को रामनवमी का जुलूस है, उसको देखते हुए SF, रेडियो, STF और विभिन्न विभागों से हमको SP साहब ने फोर्स दिया है और लोकल फोर्स भी है। इस प्रकार हमारे पास 100 का करीब अभी फोर्स आ चुका है, बाकी और आ रहा है। वो उसको लेके सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला गया था। जिस जो जुलूस का रूट है, वहाँ जो कमियाँ पाएंगे उनको पूरा किया गया है। उसके लिए पूरे क्षेत्र में एक रूट मार्च निकाला गया है और एक सभी को अपनी अपनी ड्यूटी समझाई गई है, ताकि सुरक्षा और शांति से जुलूस निकल सके। इसके लिए कोई विशेष सुविधा की है सर आज को, जैसे खरगोन में जो विवाद हुआ था पिछले साल, उसके अलावा? नहीं, उसको विवाद ना हो किसी प्रकार का। इस संबंध में हमने सभी प्रकार के प्रयास किए हैं, शांति समिति की बैठक ली है, दोनों पक्षों को बुलाकर उनसे चर्चा की है, कोई भी विवादित नारे गाने ना लगाए जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल के सामने जुलूस बहुत देर तक ना रुके, DJ में क्या क्या गाना बजेंगे, ये सब तय किया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, बड़वा। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।